हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपडेट देंगे दोस्तों ग्रुप डी की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रुप डी भर्ती पर स्टे हो गया है, इसमें केस डाला गया है कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये केस नंबर है दोस्तों CWP 25781। आप भी ये गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 2023 केस नंबर CWP 25781-2023। वरुण भारद्वाज ये पेटिशनर नेम है जिन्होंने केस किया है। रिस्पोंडेंट नेम स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। एडवोकेट का नाम है दोस्तों सार्थक गुप्ता। ये सुनवाई कर रहे हैं केस की। स्टेटस पेंडिंग दिखाया है। नेक्स्ट हियरिंग डेट 21 नवंबर 2023 है। 5 नंबर को लेकर ये स्टे हुआ दोस्तों। सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर दिए जा रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी भर्ती में, उन नंबर को लेकर के ये विवाद छिड़ा है। अभी सटे नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। 95 नंबर में से रिजल्ट आ सकता है। सरकार 95 नंबर में से रिजल्ट दे सकती है, ये सिंगल बेंच की कोर्ट ने कहा है। ये सिंगल बेंच में केस लगाया गया है, तो सिंगल बेंच का जो फैसला है वो ये है कि 95 में से रिजल्ट दे सकते हैं। 100 में से रिजल्ट देने पर रोक लग गई है, 5 नंबर पर रोक लगा दी गई है। 95 में से रिजल्ट सरकार दे सकती और है, ग्रुप डी भर्ती पूरी हो सकती है। आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट गूगल में सर्च करें केस स्टेटस। केस स्टेटस में जा कर के CWP सेलेक्ट करें, केस नंबर 25781 फिल करके देख सकते हैं। केस ईयर 2023 भरें, उसके बाद आपको ये दिखाएगा। नेक्स्ट हियरिंग डेट ही आप ये दी गई है दोस्तों 21 नवंबर 2023, देख सकते हैं। ऐसा है, कोई बात नहीं है कि स्टे लग जाएगा दोस्तों। 95 में से भी रिजल्ट आ सकता है, और अब NTA 95 में से रिजल्ट देने की कोशिश करेगी, और 95 में से अगर रिजल्ट देती है तो इसके ऊपर कोई विवाद नहीं होगा। हो सकता है ये केस दोस्तों डबल बेंच में जाए, लेकिन अगर 95 में से रिजल्ट देती है NTA तो भर्ती पूरी हो जाएगी।